हाय हाय, एक चीज दिखाऊं तुम्हें? आप ये देखो, मैंने बहुत मिस किया। लो जी लो, देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद। वहाँ पे प्रेम से मान से पढ़ते थे, उनकी बचपन की यादें ताजा कराता हूँ उनको अभी। एक सेकंड रुको जरा। गाइस ये देख रहे, ये बर्फ है ये। यो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई देख रहे हो, आज भाई मैं सूरत से पहले उठ गया, क्योंकि आज है 19 तारीख और आज मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। और बाकी वैसे मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। और बाकी स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग वीडियो में। जय श्री राम सभी को। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन उठते उठते 7 बज चुके हैं यहीं पे। तो बस अब चाय पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ और उसके बाद रेडी होके काया थोड़ा जल्दी निकलेंगे। मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी निकलूँ, और आज अपने लिए एकदम नया रूट, तो वो तो जाते हुए दिखाएंगे। बाकी ये देखो, यह है अपनी नानी, चाय रख दी है। हाय हाय। चलो भाई, आज से नानी अकेले घर पे। तो भाई आज से मैं अकेली हूँ। चाय बिस्किट खाते और रेडियो के निकलते हैं, फिर मिलते हैं। लो जी, हो गया हूँ मैं रेडी। अब कोई बोलेगा भाई तेरे पास और कपड़े नहीं है? भाई है यार, पर ये देखो ना, ये गंदा और खा था इधर से, इधर यहाँ भी गंदा और खा। तो मैंने कहा अभी ट्रैवल तो करना ही है और दूसरे कपड़े पहन के जाऊँगा, तो आगे जाते जाते वो फिर गंदे हो जाएंगे धूल मिट्टी में। तो मैंने कहा इन्हीं को घसीटते हैं, घर जाके धुलना ही है। और बाकी देखो, अभी तक सनराइज़ तो हुआ नहीं, बट मैंने एक चीज़ देखी। वो देखो सामने देख रहे, वहाँ हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रखी, और ऊपर से सूरज की किरणें भी वहाँ पे हैं। तो भाई देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये मेरी अचानक नज़र पड़ी सुबह सुबह, मैंने कहा यहाँ कब पड़ गई बर्फ़, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। और ये देखो सनराइज़ हो रहा है, उससे पहले मैं निकल गया। लेट्स गो, 7:30 हो गया, निकलते हैं। अब मिठाई लगाते हैं जो सबसे मेन है। हाँ हाँ, स्पेशल हुआ है हमारा मिठाई लगाने का, बरामदे में आना, सबकी मिठाई बरामदे में लगती। लो भाई गिन लो, नानी कह रही चावल लगाती हूँ, जितना चावल लटकेंगे उतने बच्चे होते हैं। देखो कितना हो रहे हैं। खुद के भी लगा रही। चल तब चलो, मैं पीछे देख रहा हूँ, नानी आ रही मेरा बैग लेके। आपको ये मत बोल देना भाई तुझे शर्म नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँ जब नानी जबरदस्ती बोल रही कि मैं लेके आ रही। नानी ने कहा मैं नीचे तक आ रही हूँ, तो मैं लेके आ रही, तू चल बस। कह रही बैग हल्का हो रहा और कुछ सामान दो रखने के लिए। मैंने कहा रहन दे, हल्का हो रहा। फिर वो गाड़ी थोड़ी दब के चलती है ना। तो भाई ये देखो यहाँ पे पाला भी पड़ा हुआ। हाय हाय। लो भाई पहुँच चुके हम अपने पार्किंग में। गाइज ये देख रहे, ये बर्फ है ये, यो चाहिए ये देखो भाई साहब, ये देखो। हाय हाय हाय। लो जी गाड़ी का भी हो गया वार्म अप, सामान अपना रख दिया, गाड़ी का कवर भी अंदर डाल दिया। बाकी धूप भी आ गई, 8 बज गए ना कहते तो कहते। चलो फिर अब निकलते हैं। चल तब, मैंने प्रणाम। ओ बिल्कुल, चल ठीक से तब। और ये अपना घर, बाय बाय। ओ चल ठीक से, तो चल ठीक तो। हाँ हाँ, रोने के लिए पागल है अभी बोलते, एक दो तीन महीना फिर रोल में। चल ठीक से तब। हाँ ओ नानी थोड़ा इमोशनल हो गई, और मेरे से ऐसे देखा नहीं जाता, जब कोई इमोशनल होता तो फटाफट निकल लेते। वो एक्चुअली मेरे आंखों में भी आंसू आने लग गए। भागो भागो भागो, बाय बाय। ओ तीरे बार जाऊँ मामी, और सिट मैं तो इमोशनल हो गया रही। बाय बाय। तो भाई आज आप
पहले करते हैं इसको क्रॉस, और समय में मतलब जब मैं आया था, मैं इधर से आया था, मार्केट वगैरह जाना, इधर से जाना, यहाँ पे है आधी तक रोड ऐसी बनी हुई, ठीक है। तो आज हम जाएंगे नई रूट से, आज हम जाएंगे इधर नीचे से चेपड़ू होते हुए, यहाँ पूरी रोड एकदम वो डामर वाली है। तो हमने कहा चलो भाई लेट्स गो, पूरा रूट एकदम न्यू होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इसमें अभी तक एक ही बार आया हूँ, वो भी मैं आया था, गया नहीं हूँ इस रूट से कभी, पहली बार जा रहा हूँ। तो लेट्स गो, ओए होए, ओ सूर्यदेव की किरणें भी पड़ गई अपने पे, पहली पहली जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली है। तो ओम सूर्यदेवाय नमः, निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये पहुँच चुका मैं नीचे, यहाँ पे दो तीन दुकानें हैं, मतलब दुकान है, चक्की है, एक दुकान ये है, एक दो दुकानें ऊपर हैं। इस गांव का नाम है लुआड़। तो निकलते हैं यहाँ से, बस इससे नीचे मैं ऐसे नॉर्मल घूमने नहीं आ रखा। तो यहाँ तो कांच पड़ा हुआ ना 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 ना। भाई साहब यहाँ पे देखो ऐसी फीलिंग आ रही है, ये पूरा बर्फ बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो वो सामने गांव देख रहे, वो है चेपड़ू जो मैंने तुम्हें ऊपर से दिखाया होगा रात को लास्ट व्लॉग में। ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा भाई बर्फ गिर रखी है तगड़ी वाली। वही अब कहाँ जाना मैंने, हाँ नीचे जाना, नीचे जाना क्या, हाँ नीचे जाना है शायद, हाँ ये वाला वो ओह मैं सीधे चला गया था। ओके ओके, एक तो इतने टाइम बाद आऊँ ना तो रास्ते एक नए बन जाए ना, रास्ते में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ना तो ऐसा लगता मैं गलत आ रहा, क्योंकि ये पहले ना वो वाला रास्ता था, पत्थर पत्थर देखे होंगे, पत्थर फंसा रखे थे बस, सीमेंटेड अब बनाइए। ये चेक करो गाइस, ये पुल क्रॉस करना है, और तुम्हें पता इससे वो भी जाती हैं गाड़ियाँ। अच्छा गाड़ी का शायद बंद कर दिया। ओके ये देखो ना, मतलब कोई बड़ी गाड़ियाँ आ रही होंगी ना तो ये लगा दिया कि बड़ी गाड़ी ना जा पाए, टाटा सुमो मैक्स वगैरह। नाइस, चलो फिर करें पुल क्रॉस। ये चेक करो यार, यहाँ से नदी जा रही, घोड़े आ रहे भाई, पुल हिल रहा है मस्त करके, घोड़े घोड़े। ओके तो भाई करते हैं अब इस ब्यूटीफुल नज़ारे को बाय बाय, और इसी के साथ हम चल दिए। लेट्स गो टू देहरादून, देहरादून आई एम कमिंग। वो तेरी भैंस की, वो तेरी भाई भाई पता ही नहीं चला भाई वहां पे जंप है। ये तो एकदम मार्लिन जैसी कूदा दी भाई मैंने, गलत। लेट्स गो भाई, अभी इसमें भाप जम रही यार मेरे वाइजर में, इसको ऊपर ही रखते हैं। चलो भाई नदी के किनारे जंगल के पार, देखो अपने शहर जा रहा है राहुल राणा यार। इस रोड में इतने बम्प है ना, लग ऐसे रही कितनी प्यारी रोड है, लेकिन जो वो वाले होते हैं ना अनदेखे अनसुने बम्प, वो है इस पे। लो भाई कुछ ही मिनट में मैं थराली का मार्केट भी क्रॉस कर दूंगा, बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा था आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देख रहे हो सामने जंगल वाला, जब मैं घर जा रहा था तो मैं इस वाले जंगल से गया था, अब लगा लो कितने मज़े रहे होंगे, क्या मज़े आ रहे होंगे वहाँ पे एकदम जंगल के बीचों बीच, और ये ऊपर का मार्केट और ये नीचे का मार्केट। तो लेट्स गो टू नीचे के मार्केट से, वहाँ पे प्रियांशु ईमान से पढ़ते थे, उनकी बचपन की यादें ताज़ा कराता हूँ उनको अभी। एक सेकेंड रुको जरा, कहाँ है वो स्कूल, यहीं कहीं तो था, यही है क्या, नहीं ये है। लो भाई ईमानशु एंड प्रियांशु, कर लो जरा अपने बचपन की यादें, रुको ढंग से ताजा करो ढंग से। ये लो सरस्वती शिशु मंदिर थराली, आ गया ना मजा, आ गया ना, जय श्री राम। लेट्स गो भाई, ये है भाई नीचे का बाजार, अब इसको करते हैं क्रॉस और मिलते हैं कहीं दूर। अब
लो जी, वेलकम टू कर्णप्रयाग। आधा तो क्रॉस कर ही दिया, क्योंकि जाते हुए तो ऊपर के रास्ते जाना होता ना, तो अभी मैं ऊपर से हूँ, ये रहा नीचे कर्णप्रयाग बाजार। बाकी अगर तुम्हें नीचे जाना है तो तुम पैदल जा सकते हो, गाड़ी लेके तो ऐसे घुमा के जानी पड़ेगी पूरी, कोई और रास्ता नहीं है। शॉर्टकट है एक, थोड़ी स्पीड में आके नो करके सीधा। चलो भाई, यार मेरा सर दर्द सा हो रहा है हल्का हल्का, कहीं रुकते हैं आप। वैसे मैंने एक ब्रेक तो लिया था पीछे, पर अभी हल्का हल्का पता नहीं क्यों हो रहा, कर्णप्रयाग के आगे रुकता हूँ। लो जी, वेलकम टू गौचर। अरे हाँ, क्या जबरदस्त लग रही है भाई बोलेरो, और रॉयल इनफील्ड ग्रीन कलर में भी आती है। ग्लीन वाला था वो, मैं तो उतना वाला था। अरे चलो रे भाई, या तो मेरे को ही जाने दो भैंस की आँख। आओ भाई, अब कराते हैं रिफ्यूल और निकलते हैं सीधा देहरादून, इसके बाद कोई ब्रेक नहीं तेल के लिए। लो जी, फ्यूल भी मैंने करा दिया एकदम फुल गले तक, जहाँ तक उसने बोला ना जब तक गिरा नहीं तब तक फुल करा दिया। और अब जो है नेक्स्ट ब्रेक लूँगा मैं सीधा नाश्ते के लिए, क्योंकि मैं भाई नाश्ता करके नहीं आया था, दूध और बिस्किट खाया था मैंने बस। सुबह सुबह एक तो मन भी नहीं करता ना नाश्ता वगैरह करने का, तो बस फिर अब निकलता हूँ सीधा, देखता हूँ श्रीनगर से आगे ही करूँगा। थारी देवी हम पहुँच चुके, जय माँ धारी देवी, कृपा करना मुझ पे, करना सब पे करना। वेलकम टू मलेथा, अब यहीं रोकते हैं और यहीं खाते हैं, यहाँ रुकेंगे हम। अपना नाश्ता भी हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ सीधा घर को। लेट्स गो बाड़ी। लो भाई, संगम की नगरी में आपका स्वागत है। आज तो मैं यहाँ से दिखाऊँ, क्लोज वाला व्यू दिखाता हूँ मैं आज। ये देखो है ना प्यारा, ऐसी है क्या बात, इस बार नदी का कलर चेंज नहीं हो रहा। खैर जाते हुए भी नहीं था, आते हुए तो सेम ही हो गया, सही है। ओए ओए, चेक दिस आउट गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे सही बताऊँ क्या लगता है, ये जो ये पहाड़ नहीं है ऐसे करके बहुत प्यारा लगता है भैया। लो जी भाई, रोड है ब्लॉक, यहाँ पे शायद कुछ सीन हुआ, ट्रक वगैरह पलटा है, क्योंकि उसका देखो सामान अंदर से वो निकाल रखा, पलटा है कि क्या हुआ, पर कुछ तो हुआ है। लो भाई, यहाँ पे अच्छा कुछ सीन चल रहा है, पर पता नहीं चल रहा कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ओ ये हुआ है कुछ सीन तगड़ा वाला, इधर इधर से ये फंस गया और इधर से ये फंस रखा, ये भी ठीक है। वहाँ देखना कहाँ जा रखा वो ट्रक,
ओके। अरे भाई साहब ये देखो गाइस क्या सिस्टम है भाई, तगड़ी लग रही भाई वो गाड़ी तो। विंटेज कार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऐसी कुछ बोलते हैं ना भाई, क्या सही लग रही है। अचानक मैंने दूर से देखा, मैंने कहा फटाफट गोप्रो ऑन कर देता हूँ, और इधर मौसम भी एकदम खतरनाक हो रहा है। ऋषिकेश पहुँचने वाला हूँ मैं, देहरादून में तो अभी तक धुंध हटी नहीं की, वहाँ ठंडा हो रखा मौसम। हेलो जी, वेलकम टू ऋषिकेश। भाई ऋषिकेश में आते ही एकदम धूप का प्रकोप हट गया, कतई एकदम छाया छाया कोरा कोरा हो गया। और आज मैं जा रहा हूँ नीचे वाले मार्केट से। लो भाई यहाँ का मौसम चेक करो भाई साहब, अभी जस्ट ऋषिकेश से निकला था, मतलब ऊपर मेरे को कोहरा मिलने वाला है तगड़ा, जंगल वाले एरिया में ऐसी फीलिंग आ रही। ओ भाई यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। ओए मेरे बम बम डिगी डिगी बम बम। लो जी लो, देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद। और ये उत्तराखंड देवभूमि का मौसम देख लो, वाह यहाँ तो ऐसा लग रहा धूप ही नहीं देखी यहाँ वालों ने कब से। शिट भाई खतरनाक सीन। लो भाई होम स्वीट होम। हाय हाय एक चीज दिखाऊं तुम्हें, अब ये देखो। तो ये मैंने बहुत मिस किया। हाँ जी घर वालों, अरे बेटा यहाँ ताला लगा। अच्छा अरे यहाँ पढ़ रखे ओमण। ये स्टैंड है ठीक है, ये वाला लाइट वाला। ये भी ठीक है। लो जी तो भाई व्लॉग थोड़ा सा लेट है, और बाकी मैं ये लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ, और आप सभी को राम मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं भाई पूरे 500 साल बाद। तो उसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को भी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अब कुछ व्लॉग इस पे आने वाले हैं, बहुत मिस किया मैंने इसको। लेट्स गो, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।